नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और मुझे मालूम है कि मैं दिख नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं छिप गया हूँ। और आज का जो गेम प्ले है उसमें भी हम यही करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर हिडन थ्रू टाइम का गेम प्ले, जिसके अंदर हमें छुपे हुई चीजों को ढूंढना है, छुपे लोगों को ढूंढना है। और उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त निकले हमारा गेम प्ले। तो चलिए आज का छुपन छुपाई का गेम प्ले शुरू करते हैं। आ जाते हैं हम लोग स्टोरी मोड के ऊपर, क्लिक करते हैं, मेन स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी की जो दो चीजें यहाँ लॉक हैं, अगर वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना मेन स्टोरी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा मेन स्क्रीन, देख सकते हैं स्टोन एज है यहाँ पर। साथ ही साथ आगे बढ़ने में ये, क्योंकि इसमें जो लेवल्स बाय लेवल है, और लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपका समय का जो दौर है वो भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए सर इस गेम का ना हिडन थ्रू टाइम्स रखा है। तो चीजें देखो, यहाँ पे इजिप्त बन चुका है, धीरे धीरे मेजर मिडल एजेस आ रहा है, फिर आगे का हिस्सा आएगा, फिर धीरे धीरे आज का समय भी आ जाएगा। तो जो भी है अभी ये सब चीज तो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के मिशन की तरफ, हमारे शुरुआती मिशन की तरफ, जिसमें हम जाएंगे आदिवासियों के समय में। तो चलो भाई, यहाँ पर तो आदिवासी भी नहीं, यहाँ पर तो भाई डायनासोर का जमाना आ गया है। नीचे की तरफ बॉटम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक मांस का टुकड़ा ढूंढना है, हड्डी लगी हुई है, एक तीर का टुकड़ा है अगर ये तीर है तो, और एक अंडा ढूंढना है। अब ये देखो भाई, ये तीन बंदे यहाँ खड़े हैं, एक डायनासोर छोटा है यहाँ बड़ा है, ऐसा लग रहा है कबड्डी का मैच चल रहा है, ये रेड मारने जाने वाला है। चलो जो भी है, ये जो चीज है ये मुझे दिख गई यहाँ पर, ये तो हमें मिल गई है। और ये तीर का टुकड़ा ये रहा भाई, इनके इनके झोले में। चलो ये भी ढूंढ लिया। अभी अंडा, अभी अंडा कहाँ होगा भाई, संडे का फंडा हमें ढूंढना होगा आज के दिन अंडा। ये देखो भाई, ये सब तो अंडे हैं लेकिन ये अंडा नहीं है। क्लिक हो, अरे ये देखो भाई घर के अंदर छिपा के रखा है। आओ चलो भाई, ये अंडे पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पहला मिशन पार हो गया। शुरुआत में तो आसानी होगा भाई, पहले अगर टप दे देंगे तो खेलेगा कौन हो तेरी, ये क्या चीज है। डायनासोर खत्म हो गए, ये लोमड़ी है, नहीं भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया है। ठीक है चलो, एक चीज और हमने जान ली कि आप ऐसे क्लिक करके जो इनके तंबू है इनको खोल सकते हो। यहाँ पर चार चीजें, चूहा ढूंढना भाई, कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर है चूहा, 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 ये क्या चीज है भाई। अरे भाई, तो तुक्के में मिल गया मुझे ये। ये लग रहा है भाई माइनक्राफ्ट का वो आता है ना एक्स, वैसा लग रहा है मेरे को पेड़ काटने का। जो भी एक मिल गया, अब तीर ढूंढनी है हमें, एक मिनट। चूहा और ये तीर का आगे का टुकड़ा लग रहा है मेरे को। ये भाई साहब को बहुत डांसिंग ही पड़ी, इनको देखो ये किसके क्या कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं यही नहीं पता लगता है, मन में ही बजा रहे हैं, ईयरफोन लगाए ऐसे। हाल फिलहाल तो उनके सर पे एंटीना है पर म्यूजिक बहुत बढ़िया आ रहा है लग रहा है, सबके सिर पे एंटीना है। ये भाई साहब भी झूम ही रहे हैं भाई, मजेदार रहे। ये चूहा मिल गया भाई, इसी बात पे हमें दो चीजें मिल गई। अब तलवार, तलवार नहीं, तीर ढूंढनी है, तीर, 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 तीर। ये इसके हाथ में तो है पर इसके हाथ वाला ले नहीं सकते आप। ये देखो भाई, यहाँ छिपा के रखा है इन्होंने, ये जो टुकड़ा है ना ये यहाँ, ये चक्कू है एक्चुअली, चक्कू मिल गया हमें यहाँ से। एक चीज बाकी रहती है, ये तीर का, तीर ही समझ लो यहाँ पर। ओ नो, समवन किल्ड द ट्री, मतलब ये पेड़ वेड़ पे लगी हुई है, उसमें हिंट भी है इसके। यहाँ पर आप जाओगे तो उसमें हिंट भी होगी, मतलब इसके हिसाब से किसी पेड़। ये देखो भाई कहाँ छिपा के रखा है इन्होंने। ये भाई ऐसी गेम है ना कि आप रिलैक्स रह के खेलो यार आराम से। अपने बचपन में खेलते थे कई लोग, अपने मतलब मैं बचपन में, आप भी लोग खेलते होंगे, कई बार पेपर में आता था ये छह चीजें ढूंढो, ये सात चीजें ढूंढो, ये गेम वैसा ही है। और रे भाई मैं बहुत बड़ा हो गया, आगे जाने पे पता नहीं क्या होगा, डायनासोर फिर से जिंदा हो गए, इस बार तो जोड़ी में जिंदा हुए हैं भाई। तक ये जोड़ी रहेगी ना, नए डायनासोर पैदा होते रहेंगे। और इस बार तो एक दो तीन तीन छह तीन नौ चीजें ढूंढनी है, पता नहीं कैसे ढूंढ पाएंगे हम। शुरुआत कहाँ से करें, पहले तो सारे तंबू खोलो भाई, सबसे पहले ये सारे के सारे तंबू खोलो, उसके बाद ही आप सोचो क्या करना है। पर तंबू खुल जाएंगे ना तो फिर आसान हो जाता है ढूंढना, और जो ढूंढना है उसकी हिंट पे क्लिक करो, उस पर क्लिक करो तो बताएगा वो। देखो मेरे पिताजी स्टोन मैनसन थे, उनके पिताजी उनके पहले स्टोन मैनसन से, भाई ये क्या चीज है, ये पुतला कहाँ लगाया चिड़िया का। ये देखो, ये तो नहीं, ये तो ब्राउन कलर का भेड़िया है भाई, ये ब्राउन कलर का, और ये सबसे नफरत करता है भाई, बाप रे सबसे नफरत करता है, मतलब दुनिया के अलग ही कोने में छिपा होगा ये। दो तो मिल गए हमें, तो ये दो तो मिल गए, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ब्राउन वाला चाहिए। अरे ये क्या है भाई, अच्छा ये तो कुछ पूंछ है उसकी, तो ये कहाँ पर है भाई ब्राउन वाला। ये भाई इसी सर्च में हमें ये मिल गया, ये देखो
ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप कहीं भी क्लिक करोगे तो मेरे, अरे अच्छा भाई ये भी ध्यान रखना, इसके हाथ में तलवार है, चक्कू है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ये वो वाला नहीं है, ये देखो इसके दो हाथ में है। हाँ भाई ये दो हाथों वाला ही है। चलो भाई एक को तो ढूंढ लिया हमने। उसके अलावा हमें यहाँ पर ये केले का टुकड़ा, ये सींग किसी जानवर का सिर का हिस्सा, ये गिरगिट, ये स्नेल, और ये फिर से वही चक्कू ढूंढना है। तंबू सारे खोलो भाई। ओए दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, ये देखो भाई कहाँ छिपके बैठा है, ये ब्राउन वाला। अब भाई अचीवमेंट भी अनलॉक हो गया हमारा, मैंने 10 चीजें फाउंड कर ली, उसका अचीवमेंट मिल गया। अभी भी भाई बहुत सी चीजें बाकी हैं यहाँ पर, हमें केला भी ढूंढना है। केले में कह रहा है आई बैग यू बिग जायंट, ओके भाई बहुत बड़े जायंट के पास ये कहीं है। अब ये जायंट तो मतलब ये हो गया, जायंट भी यहीं कहीं, केला भी है क्या, जो हिंट लग रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पीला केला हरा भी होता है यहाँ तो भाई, ये देखो ये कहाँ छिपके बैठे हैं भाई, मैं बताओ क्या करूं, कहाँ से दिखेंगे यार बिना जूम के। ये देखो इनको ढूंढ लिया, हम ढूंढ रहे थे केला, मिल गए हमको स्नेल। ये देखो भाई ये यहाँ घर के बाहर पड़ा है, तो अच्छी बात है मिल गया। अभी एक और ढूंढना है, एक और नहीं तीन चार ढूंढने, वो भी ये भाई साहब भी रह गए, ये इनके हाथ में क्या है कुछ अजीब सा है, चलो ढूंढते, ये मिल जाने चाहिए आसानी से। वो पार्टी नहीं कर रहे हैं भाई, ये पार्टी नहीं कर रहे, ये कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब ये दुनिया के अलग ही कोने में ये भी कहीं है। ये देखो भाई अकेले ही इनकी पार्टी चल रही है, वाह लाइफ हो तो ऐसी, अकेले ही झिंगा लाला कर लिया इन्होंने लाइफ। ये देख सकते हैं कि मिशन हमें नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं हम लोग अभी, लेकिन हम जाएंगे नहीं, चार चीजें ढूंढ के जाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद के लेवल और टफ आने वाले हैं, तो बेहतर है कि यहीं पे क्लियर हो जाए। ये देखिए पेड़ को भी हम लोग हिला डुला सकते हैं, पर फायदा होता है कि नहीं वो तो कहना मुश्किल है। अ गिफ्ट टू वॉर चीफ, अब इनमें भाई वॉर चीफ है कौन, जो सबसे बड़ा लंबा चौड़ा होगा वही होगा भाई वॉर चीफ। अब वॉर चीफ को ढूंढो पहले भाई। होए मिल गया, मिल गया भाई मिल गया, हमें ये मिल गया, लेकिन इसका मुंह इस तरफ है यार, पता नहीं यही है कि वही है कोई और है। अरे यार ये तो कोई और है, तो छिपकली है, वो गिरगिट है भाई, वो बुशेस के अंदर छिपा हुआ है ऐसा कह रही। ये रही है क्या, अबे यार ये हमें ये सब मिल रहा है, असली जो ढूंढना है वो तो मिल ही नहीं रहा। अबे यार मन में उम्मीद जगा देता, ये फिर से वो छिपकली मिल रही है, गिरगिट ढूंढना है भाई, बुशेस के अंदर छिपा हुआ है। अब ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है। ओ आई बैग यू बिग जायंट प्लीज डोंट क्रश मी, भाई इतने बड़े जानवर मेरे को क्रश ना करना, मैंने पहले कहा कि यही कहीं है, पर मैं क्या कर रहा था भाई ऊपर ढूंढ रहा था, और यहाँ पर केला छिपा हुआ है भाई, सही जगह छिपा है, दिखे ही ना किसी को। चलो केला भी मिल गया, अब ढूंढना है हमें ये दो चीजें। अबे ऐसे नहीं मिलेगा तो फिर तो भाई मैं कहीं भी रेंडम क्लिप करता रहूंगा, ये ऐसे कई बार क्या होता तुक्के में मिल जाता है, तो लग तो नहीं रहा है कि तुक्के में मिलने वाला है ये गिरगिट, उसके चांसेस तो बहुत ही। अच्छा बंद भी किया जा सकता है तंबू भाई, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो भाई आप बंद ही कर लो, आपके पास कुछ है नहीं, आप वापस अंदर ही डांस करो। ब्लेंडिंग इन बुशेस में कहां पर है भाई ये गिरगिटवा, चिड़िया की तलाश भी जा रही है। अरे भाई मुझे दिखी क्यों नहीं यार, जब दिख जाता है ना भाई, जब दिख जाता मुझे लगता है दिख क्यों नहीं रहा था ये पागल। ये देखो भाई ये यहाँ पर है और यहाँ पर छिपके बैठी है, वाह भाई बढ़िया छिपती हो यार, बहुत बढ़िया छिपते हो। मैंने कहा ना यार कि जब दिख जाता है तो फिर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये क्या है भाई। अब इतनी भीड़ में आप ही बताओ भाई इनमें से कौन सा बंदा लग रहा है कि वॉर चीफ है। अब सर पे भाई आपने अगर ये कटा हुआ सिर पहन लिया तो आप वॉर चीफ नहीं बन जाते, यहाँ पर ये छिपके बैठा है भाई, ये गिफ्ट टू अ वॉर चीफ भाई। ये चीज मुझे ध्यान रखनी थी कि आग लगाने वाले उसके जो नजदीक में है वो वॉर चीफ है, तो ये तीन भी है लेकिन इन तीनों के पीछे छिपके बैठा था यार निशान, वाट लगा दी मेरी इनको ढूंढने में। अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हैरान जो कर रहा है वो है ये गिरगिट भाई, रंग बदलने में माहिर है, तो पूरी स्क्रीन ही ग्रीन है। अब एक हिंट जो हमारे पास है वो ये है कि ये झाड़ियों में छिपे हैं, चलो भाई इनकी झाड़ियों की तलाश शुरू करते हैं। अब ये तो छिपकली है भाई, को छिपकली और गिरगिट भी दोनों एक ही साथ छिपे हो और तकलीफ हो जाती है। ओ तेरी दिखा दिखा किसी को दिखा बताओ भाई, इस स्क्रीन में ही कहीं है। अरे यार ये मुझे दिखने के बाद भाई उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये देखो यहाँ छिपके बैठा है भाई, सबको हमने ढूंढ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। रॉक एक्सपो भाई यहाँ पार्टी, पार्टी तो नहीं भाई उस समय तो भाई यही था जो था यही था। अरे भाई हाथी वाथी भी आ गए, ये तो वाह अपनी मस्ती में झूमता हुआ हाथी भाई।
ऐसे भी लोग कहे जाते हैं कि हाथी बहुत मस्त होते हैं भाई, घूमते रहते हैं। ये देखो झूमते हुए काम कर रहा है ये भाई। गेंडा भी है यहाँ पर, ये कैसा गेंडा है भाई, अच्छा पुराना वाला गेंडा है। डायनासोर अभी भी है, ये आसमान पर अंडे दिए इसने डायनासोर ने। सही है यार, सही जा रहे हैं। ये सीधा, अरे ये कैसा भाई, ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब कुछ चलता है ये हाथी। ऐसे होते अगर हाथी तो भाई क्या बात थी। और ये देखो भाई यहाँ दो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये बेचारा काम कर चुका है, पहुंचा चुका है। अब हमें भाई आ जाते हैं क्या क्या ढूंढना है इनको। देखो बाबा को ढूंढना है यहाँ पे, क्या है, देयर इज अ ट्रेटर अमोंग अस। ओ तेरी अमोंग अस है भाई यहाँ पर भी। ये गेम अमोंग अस के पहले आई थी कि बाद में आई थी पता नहीं, लेकिन अमोंग अस इसमें है। ट्रेंडिंग होने से तो पहले ही आई थी, ट्रेंडिंग होने से तो पहले ही लॉन्च हुई थी गेम। सवाल ये कि है कहाँ पर ये लोग। ये बाबा को ढूंढना है, इनके हाथ में कुछ है नहीं भाई। चलो ढूंढते हैं इनको, ये तो कूद रहे हैं, ये इतनी एनर्जी वाले बाबा नहीं है, ये शांत खड़े हैं भाई। अमोंग अस क्या ना ट्रेटर है भाई, मुझे लगता है कोई नाच वाच रहा होगा उनमें, ये शांति से खड़े होंगे शायद। नहीं ये तो सब नाच रहे हैं, ये थोड़े से लग रहे हैं लेकिन है नहीं, ये भी नहीं। अरे ये देखो ये है क्या, नहीं नहीं ओ यही थे ट्रेटर कहीं का, धोखेबाज। सब डांस कर रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाई, ये बाल बिना वाला बंदा गलत ग्रुप में घुस गया है। चलो कोई नहीं, हमने इनको ढूंढ लिया, अमोंग अस सफल हो गया हमारा। अब ये कौन है भाई, व्हाई वुड कुड द चिकन क्रॉस द रोड एंड आई कांट। अच्छा भाई ये रोड पे कहीं लगता है अटके वटके पड़े हैं। अब रोड कहाँ पर है भाई, यहाँ पर एक्चुअली रोड का जमाना था ही नहीं उस वक्त, लोग अपने जहाँ चलते थे वही रोड बन जाता था। अब हमें वही ढूंढना है कि वो है कहाँ। उसी में से एक ये भी है, द एग डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। मतलब ये अंडे हैं क्या, नहीं एग डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब भाई अंडा गिरता नहीं है, तो अंडा का भी मुझे कोई सबूत दिख नहीं रहा है हाल फिलहाल। यही अंडा दिख रहा है और तो कहीं मुझे दिखा नहीं नजर मारने पर। हमें ढूंढना होगा किसी पेड़ पे अंडे भी। अच्छा यहाँ पर भी ये बैठे हैं लेकिन अंडा नहीं दिया इन्होंने यार, चिल्ला रहा है खाली इसको छूने पे भी, बहुत सेंसिटिव है भाई। मैप तो देखो कितना बड़ा हो गया, इतने बड़े मैप में हमें इतनी चीजों को ढूंढना है भाई, बहुत बुरी वाट लग गई। ये पत्थर वाली मूर्ति भी वंस डिस्ट्रॉय का इट विल रिवील द ब्यूटी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल रिवील हो रहा है आर्ट मुझे। अब यहाँ पर सब नीले ही नीले दिख रहे हैं, पर एक मूर्ति तैयार है। वो मूर्ति आसान तो लग रही है ढूंढने में पर दिख नहीं रही, दुनिया के अलग कोने में पड़ी होगी तो कहां से दिखेगी यार। इस गेम की एक और खास बात बताऊं यार, अगर आप नीले रंग की चीजों को देखोगे ना तो सब आपको लगेगा सब नीला ही नीला है, फिर अगर आप पीली चीजों को देखोगे तो लगेगा सब पीला ही पीला है। अब मैं इसको ढूंढ रहा हूं तो मुझे सब नीला ही नीला दिख रहा है, जब मैं इसको ढूंढ रहा हूं तो भाई मुझे यही सब दिख रहा है कि आदमी कितने सारे हैं, ऐसा लग रहा है। देखो ये पूरी आर्मी दिख रही है, यहाँ आर्मी दिख रही है, तो यही इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाता है और थोड़ा सा मुश्किल भी, लेकिन मजा आता है। कोई आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, आपने आई सेट रखना पड़ता है सही। ये गया कहाँ डायनासोर का बच्चा, और एक और मूर्ति भी तैयार है यहाँ पर, डायमंड। ये डायमंड से बनी हुई है, वाह। ये बेचारे ने एक मूर्ति बनाई है, किसी को पड़ी नहीं है ढूंढने की, बल्कि ये दो मूर्तियों को ढूंढना है हमें। सही में यार ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये चीजें हैं, यानी ये दो मूर्तियों को मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दोनों चीजें हैं इस मैप में। ओए मिल गया भाई। अरे हाँ मैं तो डर गया भाई कि इसको ढूंढा और फिर मिला नहीं। और मैं क्या गलती कर रहा था पता, मैं सोचा था बहुत बड़ी मूर्ति होगी, जैसे ये है ना ये इतनी बड़ी होगी, तो इतनी छोटी सी है यार, तो ये भी भाई इतनी छोटी होने वाली है मुझे नहीं लग रहा है। चलो भाई अब इसको भी ढूंढते हैं। ये हमें मिल गया, आई प्रेफर टू ट्रेन एट होम। ये भाई साहब को घर पे ही ट्रेन होना पसंद है। अब हमें ये एरिया तो मिल गया जहाँ पे हम लोग खेला करते थे, लेकिन ये वो नहीं है, ये देखो रेड कलर का है, और वो कह रहा है कि घर के पास ज्यादा खेलना मुझे पसंद है। अब इनका घर जो है ये मिल गया, हो जाना चाहिए। अबे नहीं हुआ, ये रहा, ये तो है खास। चलो कम से कम भाई इसकी ट्रिक और जो सॉल्यूशन है वो पहली बार काम आया इस लेवल में। मिल गया केला भी भाई, ये देखो कहां भाई। तो आज सीधी सी बात है, जानवर है तो खाने के टोकरी में ही रखा होगा, तो वो तो हाथी की टोकरी में रखा है। इसलिए लगता है ये दोनों खा चुके हैं, पेट भर गया। इनका चेहरा देखो, आय हाय इनका चेहरा देखो, इनको छोड़ो भाई इनका चेहरा देखो, पत्थर लेके आए फिर भी कितने खुश हैं। ये उस समय की बात है जब इंसान सही ढंग का हुआ करता था। ओए अंडा भी मिल गया। ओए भाई मैंने यहाँ पर आके एक चक्कर मार चुका था मैं इधर, आपको याद हो, पहले मैं मार चुका हूँ एक चक्कर, यहाँ भी मार चुका हूँ एक चक्कर, यहाँ भी मार चुका हूँ, ध्यान ही नहीं गया भाई पेड़ के नीचे देख ले तू, अंडा ऊपर से ऊपर नहीं गिरता नीचे गिरता है भाई, न्यूटन का लॉ कैसे भूल गया मैं। चलो मिल गया अंडा भी। ओए आंख भी लगती है भाई, ये तो देखा ही नहीं लास्ट टाइम मैंने। ये भी भाई एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इंटरैक्टिव चीज है। अब इसको मारोगे तो बोलेगा भी, बोल रहा है आप यहाँ पे कुछ भी करोगे, हाथी भी बोल रहा है, पेड़ भी यहाँ पर हिल रहे हैं, तो ये भी भाई इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है कि गेम का गेम प्ले लेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन गेम प्ले की वैरायटी जो है वो बहुत बढ़िया दे रहा है।
ऐसा नहीं कि आप आए तर 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 खेला और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है भाई, बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है। मिल गया भाई, ओहो यार इसका सिंपल सा फंडा है, आप ध्यान रखो भाई, वो जो बोल रहा है उसको करो, आप कर लोगे गेम को पार। इसने क्या कहा था कि मैं क्या तुम्हें पत्थर जैसा लगता हूँ? पत्थर का काम तो बहुत सारी जगह हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देखोगे इस हिस्से में सबसे ज्यादा पत्थर का काम होता है, और जब आपकी नजर जाएगी यहाँ पत्थरों के बीच में तो ये देखो ये यहाँ चिपके बैठे, लेकिन पत्थर नहीं है ये, पत्थरों के बीच में है सिर्फ। ओ मिल गया भाई, दीज रॉक्स आर माई होम, डोंट टच देम। जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना, मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था, मेरी नजर यहाँ से शुरू हुई थी, फिर मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया और फिर नजर गई मेरी इस हिस्से में जो मैंने चेक ही नहीं किया, ये वाला हिस्सा भाई ऊपर वाला, फिर मैंने देखा तो भाई साहब कहाँ गए भाई, ये देखो कहाँ छिपके बैठा है ये भाई साहब, इनको निकालने आए कि निकल, पत्थरों का जमाना था भाई, पत्थर हीरे से भी बड़ा था कीमती। ये देखो यहाँ मिल गया पत्थर, और साथ में हमें ये डायनासोर भी मिल गया, बेचारे को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहाँ बाकी रह जाते हैं ये, why could the chicken cross the road and I can't, अब भाई चिकन को कहाँ ढूंढूंगा मैं। और ये है once the stone cart will reveal a beautiful piece of art, चलिए ओए भाई देखो ये मैंने क्या किया भाई, देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, मैंने इस पे देखा था कि जब पत्थर रेडी हो जाता है बहुत खूबसूरत आर्ट बन जाता है, तो मैंने भाई इसका रूट देखना शुरू किया, इसका रूट कहाँ से जाता है, ये हाथियों का रूट देखो यहाँ से ये रास्ता बन के जाता है, तो भाई मैंने रूट पे चलना शुरू किया, नजर गई मेरी इस हिस्से में। एक्चुअली ये लग नहीं रहा किसी भी तरह से कि वो है, लेकिन जो गेम ने अप्रूव कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, वेरीफाइड कर दिया गेम ने कि यही वो बनता है जिसको हम ढूंढ। अब एक चीज बाकी रह जाती है, ये डायनासोर की मूर्ति, और ये कह रहे हैं कि जहाँ पत्थर बन जाते हैं उसके बाद के हिस्से में आता है। ओ हो भाई ये तो चीटिंग हुई यार, ऐसा कैसे हो सकता है इसमें, ये देखो भाई इसको तोड़ना है, ये मोबाइल बना उंगली बनी, मिडल फिंगर नहीं है भाई, पहली उंगली, घबराओ मत। सांप बना, पत्थर बना, अरे पेड़ बना, सॉरी, ये क्या तीन पत्थर वाला गेम भाई, वो सात पत्थर वाला, पता नहीं क्या कहते हैं नाम, बोले उसको मारने का, दूसरी वाली टीम वो बॉल लेके आएगा तब तो पत्थर लगाने का। अरे यार मैं बता नहीं सकता इसको ढूंढने में कितने पंगे हो गए मेरे। और ये तो मिल चुका है भाई, ये बग तो मिल चुका था मेरे को पहले ही, मैंने उस पर क्लिक ही नहीं किया, मैंने क्लिक किया तो यही कहीं था यार, यही कहीं था, कहाँ गया भाई, अभी मैंने ढूंढा था भाई, ये रहा, मैंने क्लिक ही नहीं किया, मुझे लगा इसको ढूंढना नहीं, क्लिक करने का मतलब क्या। अरे यार मतलब आप हर चीज को टच तो करना पड़ेगा आपको यार, और पूरा पूरा हिंट आपको मिल जाता है उसके थ्रू जो उस पर लिखा रहता है। आ गए हम लोग एक और नए लेवल पे, अरे भाई ये मॉडर्न एज में पहुंचेंगे तब क्या हालत होगी हमारी, और कितनी चीजें, 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन 15 चीजें हमें ढूंढनी है। ऐसे तो आप 5 चीजें ढूंढोगे तो भी लेवल अप हो जाता है, ये देखिए नेक्स्ट लेवल लिखा हुआ है, लेकिन हम भाई सब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। हिंट से शुरुआत कर देते हैं हम लोग एक एक करके, पहले तो दिख ही गया यहाँ पे बहुत ही आसानी से, ये देखो भाई ज्यादा वक्त नहीं, ओके ही डज नॉट हैव अ हॉर्न बट वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स, ओके कोई बात नहीं, इसके तो हॉर्न लग रहे हैं यार, नहीं नहीं इसके हॉर्न नहीं है। लो पहला हमें क्लू पहले ही मिल गया, छुपन छुपाई में पहले ही थप्पो कर दिया हमने, पता नहीं आपके वहाँ इस खेल को क्या कहते हैं, गुजरात में तो थप्पो कहते हैं भाई, या मारो और थप्पो कर लो उसको जिस जो छिपा हुआ है उसको, और भी कई नाम है लेकिन ये नाम ज्यादा फेमस है। ओ भाई थोड़े तंबू भी हिला दिए जाए इनके, पहले जितने तंबू है सारे हिला दो भाई आप, उसके बाद बाकी के काम, नहीं तो मानो पड़े ढूंढते ढूंढते आप थक गए। ये देखो भाई तंबू खोलने का पहला ही फायदा हो गया हमें, ये मिल गया हमको, ये क्या था, ग्राउंड के रनिंग लेट फॉर रिहर्सल, ओके भाई अच्छा किसी और को जाके मास्क लेना होगा, चलो भाई हमने ले लिया मास्क, और क्या, और जितने तंबू हैं सारे हटाओ भाई, एक बार सारी चीजों को हिला डुला के भी देख लो आप, भूकंप आ जाना चाहिए भाई, यहाँ पर जू है, ये जू का मिशन है। ये देखो भाई इस बार तो शेर वेर भी पकड़ के रखे हैं जंगली, वो भी तंबू खोलने का एक और फायदा हुआ है। थोड़ी देर के बाद हमें एहसास होगा कि हमने फटाफट तंबू खोल के हम आगे बढ़ गए थे सारे तंबू खोलने में, और यहाँ पर हमें मिल गया है पानी। सही है भाई, ये सूप है, सॉरी पानी नहीं है, सूप है भाई। ओके, अब घर से आते हो तो जरूरत तो होती है सूप की, घर में आए हैं तो भाई घर के अंदर ही मिलेगा सूप, ऐसा नहीं है कि घर के बाहर मिलेगा। चलो एक और पार हुआ हमारा, वी आर नॉट ऑल दैट डिफरेंट यू नो, ये भाई साहब नीले और पीले कलर के हैं जानवर, और नीला और पीला कलर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, नीला और पीला सिर्फ यहाँ मिल रहा है, और ये भाई साहब को भी ढूंढना कोई ज्यादा मुश्किल हुआ नहीं, ये दोनों की लगता है बहुत दोस्ती हो गई भाई, अच्छी बात है जो भी है, अभी हमने फाउंड कर लिया, दे दिया हमने इनको थप्पो, जिसको ढूंढने में हमारी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी। आई बिलीव आई कैन फ्लाई, ये भाई साहब उड़ सकते हैं, कहाँ से भाई आपको हिंट जा रहा है पता है,
अब यहाँ पर अगर नजर करोगे ऐसे तो यहाँ पर भी देख सकते हो जमीन पे कूदने वाले हैं भाई साहब। तो ये देखिए भी जमीन से कूदने, हवा में से कूद, जमीन पे कूदने वाले हैं। यहाँ पर देखिए भाई साहब को लगता है कि फ्लाई कर सकते हैं, और इसी के नीचे हमें हिंट मिलता हुआ छिपकली का। एक्चुअली ये छिपकली, अच्छा गिरगिट, अरे छिपकली भी ढूंढनी थी यहाँ पर। आई प्रिफर टू लिव इन शैडोज, अरे भाई तो गिरगिट कहाँ पर है इनके चक्कर में छिपकली मर गई बेचारी। गिरगिट होने का यही फायदा है सारा, रंग ही बदल लो आप। ढूंढते 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 हमें मिल गया यहाँ पर ये घेंगा, ब्लॉक ऑफ द एरिया। भाई मुझे लगता नहीं कि अगर मैं इसके भरोसे रहता तो मैं इसको ढूंढ भी पाता, नहीं ढूंढ पाता गारंटी। अब इतने बड़े मैप में इस हिस्से के इतने छोटे हिस्से में छिपके बैठा ही है, वाट लग गई ढूंढते ढूंढते। पर किस्मत का अनलकी रहा, बेचारे को गलती से पकड़ लिया हमने। पर एक बहुत बढ़िया हिंट मिली, द लास्ट फ्लावर टू सर्वाइव द आइस एज। अब इसका मतलब ये है कि भाई आइस एज, देखो एक तो यहाँ पर आइस एज है यानी बर्फ बने हुए हैं, और तो मुझे यहाँ पर लाल फूल तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर पहली नजर में तो नहीं दिखे, दूसरा कहीं है बर्फ यहाँ पर, ये है ये हिस्से में बर्फ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मिल गया हमें मिल गया है लाल फूल, पूरा लाल नहीं है लेकिन ये आखिरी फूल है, देख सकते हो इस पूरे आइस एज की समाप्ति हो जाएगी, इसके बाद मुझे लगता नहीं ये हाथी हमें देखने को मिलेगा बेचारा। पत्थर भी हमें मिल गए हैं, कुछ देर की कड़क निगरानी के बाद हमें यहाँ पर मिला ये पत्थर। हिंट बेकार थी भाई, हिंट बेकार। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट लिटिल गाय हैड अ स्टमक। अरे भाई इस बंदे के पास पेट तो सबके पास होता है भाई, क्या बकवास, ये पत्थर नहीं है भाई कुछ और है, ये बेरी बेरी है लग रहा है, इसका नाम नहीं लिखा रहा है तो ज्यादा फायदा होता, नहीं आ रहा नाम। ये ढूंढना है हमें, इट कम्स विद द एक्स इंक्लूडेड फॉर फ्री। खोपड़ी तो आती है साथ में, उसके सर पे मारी गई खोपड़ी, खोपड़ी में मारा गया उसके हथौड़ा, अरे यार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से मारा गया इसको। और ढूंढते हैं, ये रहे भाई साहब मिल गए हमें, यहाँ पर रखा गया, लगता है इसी का सेलिब्रेशन हो रहा है ये स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर। पता नहीं कौन है ये, लेडी गागा तो बिल्कुल नहीं है, लेडी झिंगालाला है जरूर और हमारा पिछली बार जो हमने बनाया था, अरे वाह यार ये सब चीजें कलेक्ट हो गई, आ चुकी है। अच्छा चल रहा है यहाँ पर शो चल रहा है यार, ये एग्जीबिशन शो है पत्थरों का, ये सब देख के जा रहे हैं, और लेडी झिंगालाला को भी बुलाया गया है यहाँ पर बढ़िया है। टुकड़ों पे क्लिक करते करते हमें मिल गया है शायद बॉल, शायद कैसा है भाई, तीन वाला है, ये रहा ये रहा ये रहा। चलो भाई खेलते खेलते हमें गलती से बॉल मिल गया, सही है। और इसमें लिखा भी है कि लुक्स लाइक दिस विल बी द विनिंग बॉल, अभी पूरा मिशन तो नहीं हुआ लेकिन विनिंग तो रहा है ये बॉल, ये वाला रिजल्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड यूनियन। भाई ये हिंट लेके तो मैं कभी नहीं ढूंढ पाता, मिल तो गया अंडा, कुछ देर तक स्क्रीन को घूर घूर के ताकने के बाद एक सफेद सा डॉट दिखाया और वो हमारा अंडा मिल गया। अब भाई रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड यूनियन, भाई ये तो पूरा गेम प्ले में अनएक्सपेक्टेड यूनियन दिख रही, यहाँ अनएक्सपेक्टेड यूनियन, यहाँ अनएक्सपेक्टेड यूनियन, हर जगह। अच्छा ये कलर के कारण भाई साहब ने लॉजिक डाला, भाई ये लॉजिक समझने में मुझे लगता है 3-4 मिशन लग जाएंगे, हर मिशन में मुझे एक नया लॉजिक मिल रहा है। लास्ट टाइम पत्थर की खुदाई की तब बनाया हमें डायनासोर का खिलौना, और आज देखो अनएक्सपेक्टेड यूनियन मतलब कलर बिना कांड, कलर दो अलग हैं डायनासोर्स के, उनके कुछ होता है उनके बीच से ही अंडा हुआ है ये वाला यहाँ पर एक नया पंजे का निशान हमें मिल गया है, लकी रहे हम लोग कि ये हमें ढूंढने के लिए भी है, दोनों उसी को ही देख रहे हैं कि निशान आ कहाँ गया इनके एरिया में। यहाँ पर देखो भाई इनके पैर ऐसे नहीं, इनके पैर में ऐसे निशान नहीं, कोई और छोड़ के गया इनके घर, रात को लगता है कोई आता है इसके घर, शक हो गया, पति पत्नी झगड़ रहे हैं लग रहा है अबे अच्छा ये हमें, ये कौन है, लुक वेट वेट आइडिया विद दिस टावर, वेट व्हाट वाज द आइडिया विद दिस टावर। हाँ भाई मुझे तो पता नहीं, मुझे तुम कैसे मिल गए मुझे भी नहीं मालूम भाई, मिल गए बस भाई, क्लिक में हो गया, ये तो तुक्के में गया, ये बंदा तो तुक्के में मिला है मुझे। ओ ये भाई साहब को छोड़ो आप, इनके चक्कर में कौन मिल गया हमें, ये मिल गया, ये देखो भाई मानना पड़ेगा यार, he thinks he's great and hide and seek, भाई doubtful, कोई doubtful नहीं भाई, 100 में से 100 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर इसको, क्या छिपे हैं भाई, मैं यहाँ पे देख चुका हूँ 2-3 बार यहाँ राउंड मार चुका था, ये इन पे पता नहीं कैसे नजर नहीं गई, और ये तो मान गया भाई, अच्छा है भाई अच्छे पॉइंट, 100 में से 90 तो मिलेगा। गिरगिट फिर से बच गया यार, ये कहाँ छिपा है, आई बिलीव आई कैन फ्लाई, भाई कहाँ पर हवा में है, कहाँ पर है भाई, तू कहाँ छिपके बैठा है, आई बिलीव आई कैन फ्लाई मतलब कहीं ऊंचाई वाली जगह पर ही, इसके चक्कर में बेचारी छिपकली यहाँ पकड़ा गई, कहाँ गई ये देखो, यहाँ ये पकड़ा गई लॉजिक बिना से, लेकिन अब मैं क्या बताऊं यार, यहाँ पर मिल तो गया है मुझे लेकिन ये गिरगिट को भाई मैं सबसे खराब लेवल पर, मतलब सबसे इरिटेटिंग वाला बंदा, बंदा भी नहीं है, सबसे इरिटेटिंग ऑब्जेक्ट कहूंगा फाइंड करने के लिए, यहाँ छिपके बैठा है भाई, आई बिलीव आई कैन फ्लाई, भाई इतनी ऊंचाई से कौन फ्लाई कर पाता है, ये बेचारे इतने बड़े डायनासोर को भी इतने ऊंचे चट्टान पे खड़े रहना पड़ रहा, तब उड़ पाता है, मिल तो गया लेकिन भाई नाक में दम कर दिया,
खत्म कर दिया। मैं रुक रहा हूँ भाई यहाँ पे, आज के दिन की वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। इन लोगों ने मेरे कॉन्सेंट्रेशन की वाट लगा दी, गेम मुझे लगा था मैं एकदम रिलैक्स होके खेलूंगा, रिलैक्स रह के खेलोगे मिलेगा ही नहीं कुछ। और हिंट मिल रही है, हिंट के लॉजिक का पता लगता है, पता है जब वो मिल जाता है तब। भाई ये तो बहुत अजीब सी बात है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेवल है एक बार उसको देख लेते हैं क्या है। और हंटिंग पार्टी भाई लो, इजिप्ट पहुंच गए हम लोग, लग तो यही रहा है, नहीं अभी नहीं पहुंचे, लेकिन यार ये तो पूरा सुनसान लग रहा है। जो भी है जैसा भी है, अब होगी आपसे मुलाकात अगले वीडियोस में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल पे देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अरे बाप रे, तब तक के लिए बाय बाय और अलविदा।